लंबा, फिर बोले आपका बॉडी साइज क्या है। आजकल तो बॉडी साइज बताना बड़ा इजी है ना, शर्ट की साइज से स्मॉल, मीडियम, लार्ज, एक्स्ट्रा लार्ज। अब शिवाजी उस समय तो रेडीमेड शर्ट्स होते नहीं थे, तो शिवाजी ने कहा होगा मेरा साइज मीडियम टू लार्ज है। बोले अफजल खान का साइज क्या है? बोले अफजल खान का साइज तो एक्स्ट्रा 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 लार्ज होगा। तो बोले महाराज जब आपको वो मिलेगा बिना हथियार के, तो आपका वो गला दबा के आपका मर्डर कर सकता है कि नहीं? शिवाजी ने कहा ये बात तो सही है। तो बोले महाराज भोले मत बनो, ये गुप्त हथियार पहचाना आप, वाघ नख आयन क्लॉज, ये गुप्त हथियार साथ में लेके जाइए। शिवाजी महाराज ने अंगूठियों के नीचे वाघ नख को छुपा लिया। और ये जासूस का नाम जरा मैं पूछना चाहता हूं आपसे, ये शिवाजी महाराज उनके जासूस का नाम था रुस्तमे जमान। शिवाजी महाराज के 18 बॉडीगार्ड थे, उसमें से 12 बॉडीगार्ड मुसलमान थे। शिवाजी महाराज घोड़े पे बैठे जा रहे थे, जब जा रहे थे गए अफजल खान के तंबू के पास पहुंचे। जैसे ही तंबू के पास पहुंचे, अफजल खान ने उनको देखा, जोर से जंप लगा के बाहर आया और जोर से चिल्लाया शिवा शिवा, और आके सीधा उसके उनके गले पे हाथ रख दिया। शिवाजी महाराज तैयार, वाघ नख निकाला, अफजल खान के पेट में डाल दिया। जैसे ही वाघ नख अंदर गया, अफजल खान गिर गया, मरने पे आ गया। और अफजल खान की तरफ से उनके सचिव सेक्रेटरी आए, उन्होंने तलवार निकाली और शिवाजी को मारने की कोशिश की। और वो सेक्रेटरी का नाम भी बड़ा इंटरेस्टिंग है, सेक्रेटरी का नाम है कृष्णाजी भास्कर कुलकर्णी। कृष्णाजी भास्कर कुलकर्णी किसके साथ है? अफजल खान के साथ है। रुस्तम जमान किसके साथ है? शिवाजी के साथ है। तो ये हिंदू मुसलमान का राजा है कि सवाल है कि दो राजाओं का सवाल है? एक सवाल आपको पूछता हूं, अकबर के महल के अंदर एक मंदिर है, राइट रॉन्ग, किसका मंदिर है वो? और जब कृष्ण जन्माष्टमी मनाई जाती है, अकबर उसको बायकॉट करते हैं या उसमें हिस्सा लेते हैं? हिस्सा लेते हैं। अभी हमारे बीच में अभी अकबर रूम का रोड का नाम बदलने वाला है, तो उसके पहले आप जरा देख लीजिए अकबर क्या थे। खैर ये एक बात हो गई। पहले मैं आपसे सवाल पूछता हूं, ये महाराणा प्रताप जी को भारत की कल्पना रही होगी? जैसे अभी शाह बोलते हैं ना, कच्छ से कामरूप, श्रीनगर से कन्याकुमारी, ऐसा राणा प्रताप भी सोचते होंगे क्या, मेरे राज्य को इतना बढ़ाना है कि कच्छ से कामरूप और कश्मीर से कन्याकुमारी तक जाऊं? यानी भारत की कल्पना उस समय ऐसी थी क्या? महाराणा प्रताप पूरे देश, पूरी ऐसे देश की कल्पना ही नहीं थी, देश ऐसा बना भी नहीं था। तो महाराणा प्रताप तो सोचते थे अपने मेवाड़ के बारे में, अकबर के बारे में। तो ये एक सीरियल की बात हो गई, भारत का वीर पुत्र महाराणा प्रताप, वो मैंने आपको बताया। तो ये जो चीजें हमारे इतिहास की मेल जोल की हैं, उसमें से कुछ चीजों को पकड़ लिया गया है और उसके आधार पे नफरत की बात की जाती है कि भाई देखो ये एक बात आपने कही नहीं, पर ये बात भी लोगों के दिमाग में कही है, जो बहुत है। जैसे आजकल लव जिहाद की बात करते हैं, कई लोग तो लव जिहाद को अकबर तक ले जाते कि अकबर की वो पत्नी का नाम क्या था? जोधाबाई। अब उस समय राजघरानों में शादियां तो करवाई जाती थी, पर शादियां करवाने का मतलब कोई ये नहीं था, शादियां करवाने का मतलब था अपने राज्य का विस्तार करना, राज्य की सीमाओं को बढ़ाना, ये उसके साथ एक प्रकार की चीज चलती रहती थी। अब एक पद्मिनी का जौहर, पद्मिनी की जौहर की कहानी बनाई गई, दूसरी चीजें बनाई गई। तो मुख्य तौर से देखिए कि इतिहास में इस प्रकार से धर्म के आधार पे विभाजन नहीं था कि एक तरफ हिंदू लोग खड़े हैं, एक तरफ मुसलमान खड़े हैं। ईसाई तो वैसे भी बहुत संख्या में कम थे, ईसाई तो एक अलग प्रकार से विकसित हुए, वो भी हम देखेंगे। तो उस इतिहास को हिंदू वर्सेस मुस्लिम ये बता के जो विकसित करने की प्रोसेस की गई है, उससे दो प्रॉब्लम हो गए हैं। एक तो इतिहास की असली सच्चाई हमारे सामने से छुप जाती है। इतिहास में जो जमींदारी सिस्टम था, जो किसानों की गरीबी थी, जो आदिवासियों की गरीबी थी, जो महिलाओं की तकलीफें थी, ये चीजें इतिहास में छुप जाती हैं। वास्तव में देखा जाए तो इतिहास को एक अलग तौर से देखने की जरूरत है, जहां मानव समाज विकास में एक दूसरे के साथ चलता रहता है। तो ऐसी कुछ चीजों को पकड़ लिया गया, राणा प्रताप वेरी ग्रेट, औरंगजेब वेरी बैड। अब खैर राजा राजा होते हैं, औरंगजेब जैसा भी होता है,
अकबर जैसा भी होता है। अकबर अलग प्रकार से राज्य करता था। अकबर तो यहां तक था कि अकबर ने सभी धर्मों के लोगों को बुला के कॉन्फ्रेंस की। आज हम इंटरफेथ डायलॉग की बात करते हैं। इंटरफेथ डायलॉग का एक वर्णन अकबर के जीवन से मिलता है, जिसको लगता है धर्म अलग है पर एक इंसानियत को उसमें से खोजने की जरूरत है। और अभी मैं एक लेख पढ़ रहा था, फ्रंटलाइन में अभी अभी आया है, कि मुगल दरबार में संस्कृत का उपयोग, अब संस्कृत जिसको यहाँ की एक बहुत देवभाषा माना जाता है, वो संस्कृत का कितना उपयोग किया गया था, तो आप जान के हैरान होंगे कि यहाँ संस्कृत की जो हमारे संस्कृत में वेद उपनिषद उनका सबसे पहला अनुवाद जिसने करवाया उसका नाम था दाराशिकोह। दाराशिकोह ने कुछ हिंदू धर्म ग्रंथों को लिया, उसका संस्कृत में, संस्कृत से पर्शियन में ट्रांसलेशन करवाया, और ये चीजें बड़ी आदर के साथ इस समाज में देखी जाती थी। खैर, तो यहां मैं 2-3 मिनट के लिए आपको वक्त देता हूं, अगले विषय पे हम आएंगे धर्मांतरण के मामले में। ये जो हमने अभी बातें देखी मुख्य रूप से इतिहास की, हिंदू राजा वर्सेस मुस्लिम राजा, मंदिरों का तोड़ा जाना, मंदिरों के तोड़े जाने के पीछे कारण, एक कारण यहां रह गया वो जो मैं इसको अभी लाना चाहता हूं, और वो कारण ज्यादातर आता है महमूद गजनवी के साथ जुड़कर। गुजरात में एक मंदिर है जिसके बारे में बहुत कहा जाता है, कौन सा मंदिर है? सोमनाथ का मंदिर। सोमनाथ का मंदिर किसने तोड़ा था? महमूद गजनवी ने, और उसके पीछे धर्म को जोड़ा जाता है। तो ये देखिए कि महमूद गजनवी जो आया था वो आया था गजना से, जैसे अपने नाम देते हैं ना, नाम जैसे हसरत जयपुरी कहां से है, वो नीरज पुणेकर कहां से है, और महमूद गजनवी कहां के होंगे? गजना से। गजना कहां है? अफगानिस्तान से। वो इतनी दूर से आया, बोले हिंदू धर्म का अपमान करने के लिए उसने सोमनाथ के मंदिर को तोड़ा। तो ये मैंने डिटेल में उसको कहीं कहीं दिया है, इतना बताना चाहता हूं कि जब सोमनाथ के मंदिर को तोड़ा गया उस समय सोमनाथ के मंदिर में 151 करोड़ के बराबर की संपत्ति थी। ये बात विश्वसनीय लगती है क्या, मंदिरों में संपत्ति होगी? होती थी कि होती है? भी सही, होती है। चलिए बताइए कुछ कुछ धनी मंदिरों के नाम बताइए जिससे अपना मूड अच्छा हो जाए। तिरुपति बालाजी, पद्मनाभ, हमारे ये दोस्त का जरा सुन लीजिए, हेलो, जरा हमारे दोस्त से सुन लीजिए, सबसे धनी मंदिर इनको पता है कौन सा है? भगवान पद्मनाभ स्वामी के 7 चैम्बर हैं, 6 चैम्बर को खोला गया तो उसमें कितनी संपत्ति निकली? 1 लाख करोड़, हजारों हजारों करोड़ की संपत्ति मंदिर में थी। इसको लूटने के लिए कई बार राजाओं ने आक्रमण किए, राजाओं ने ये किए, और उसको बाद में धर्म के नाम पर जोड़ दिया गया। सामंती समाज, ये आप समझते हैं सामंती समाज क्या होता है? आजकल कौन सा समाज है? आजकल औद्योगिक इंडस्ट्रियल सोसाइटी है। पहले कौन सा समाज था? सामंती समाज, जमींदारी समाज। तो जमींदारी समाज में पितृसत्तात्मक व्यवस्था, पुरुष प्रधान व्यवस्था ज्यादा थी, तो उसमें लोग शक्तिशाली पुरुष एक से ज्यादा शादियां करते थे, आपने सही कहा। और ये केवल मुसलमानों में नहीं था, हिंदुओं में था, हिंदू जमींदार, हिंदू राजा, हमारे देवी देवताओं का तो बात ही क्वेश्चन ही नहीं करना चाहिए, उनका तो अलग ही था मामला। तो ये पुराने मामले हैं, पर आज के समय में भी ये बहुपत्नित्व आज के समय में एक सूटेबल चीज नहीं है, वो एक अलग डिबेट है, उसको मैं यहां विस्तार में नहीं लूंगा, क्योंकि जैसे समाज बदलता है वैसे हमारी व्यवस्था भी बदलती है। तो पॉलीगैमी यानी एक से ज्यादा शादियां करना, ये एक सामंती समाज का तरीका था। एक औद्योगिक समाज, लोकतांत्रिक समाज, जहां स्त्री और पुरुष की हम बराबरी की बात करते हैं, बराबरी लाने की कोशिश करते हैं, वहां एक से ज्यादा शादियां करने का सवाल पैदा ही नहीं होना चाहिए, इसलिए उस पर मैं ज्यादा नहीं जाना चाहता। बताइए धर्म के कौन से 2 मुख्य भाग हैं? आइडेंटिटी और मोरालिटी। ज्यादा जरूरी आपको क्या लगता है? मोरालिटी। सांप्रदायिक राजनीति किसके नाम पे होती है? आइडेंटिटी के नाम पे, नंबर 1। नंबर 2, धर्मस्थल। धर्मस्थल क्यों तोड़े गए? धर्म के लिए या सत्ता संपत्ति के लिए? राजाओं में झगड़े क्यों होते थे? धर्म के लिए, सत्ता संपत्ति के लिए? ये कितनी बेसिक बात है, पर इसके ऊपर हमारा कंफ्यूजन कितना होता है, इसको आप देखिए। और जैसे मैंने शिवाजी के बारे में बात की,
अकबर के बारे में बात की, ये एक उदाहरण है। टीपू सुल्तान के बारे